नमस्कार मित्र, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों हम बात करेंगे आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशि फल की, यानी कि मित्रों दिनांक 13 नवंबर 2022 का दिन कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। मित्रों सर्वप्रथम बात करें पंचांग की, तो 13 नवंबर को रविवार का वार है, साथ में अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और आद्रा नक्षत्र है। और मित्रों आप सभी को बता दें कि शुभ और साध्य नामक योग का निर्माण हो रहा है, वहीं सूर्य की स्थिति तुला राशि में रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रमा जो है मित्रों वह मिथुन राशि के उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा। तो ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल का अगले 24 घंटों में आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों, व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन यापन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, साथ ही मित्रों विद्यार्थियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समाचार है, क्या सावधानियां हैं और क्या खुशखबरियां हैं, समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रदान करने वाले हैं। तो मित्रों हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी मंत्र एवं सिद्ध उपाय लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों हमारे गुरु जी कहते हैं कि किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। मित्रों जीवन में हमेशा यह बात जरूरी नहीं कि जो हमसे विरोध कर रहा है हम भी उसका विरोध करें, कभी कभी ध्यान रखिएगा कि आपका मौन भी सामने वाले इंसान को पराजित कर सकता है। तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो चलिए मित्रों बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों आप सभी को बता दें कि आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे, जी हाँ मनोरंजन और ऐसो आराम के साधनों पर जरूरत से ज्यादा खर्च आपको बिल्कुल नहीं करना है मित्रों, नहीं तो अभी के समय में किया गया फिजूल खर्च आगे चलकर आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए खाली समय है तो इसका मतलब यह नहीं है मित्रों कि कुछ भी ना करें, कुछ नया सीखने का प्रयास करें। और मित्रों कोई ऐसा इंसान जिसके मन में आपके लिए गलत भावना थी, तो मित्रों आपको बता दें कि उस गलत भावनाओं को जल्द से जल्द मिटाने की कोशिश करें, मामला निपटाने और आपसे सुलह करने के लिए पहल करेगा। प्यार मोहब्बत के नजरिए से यह समय बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय के अंतराल में मित्रों आपके जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक घटनाएं घटेगी। मित्रों प्यार का मजा चखते रहें, चीज़ों और लोगों को तेजी से परखने की क्षमता आपको दूसरों से आगे बनाए रखेगी। जी हाँ मित्रों आप अपने जीवन में एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में जो नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जो या तो कार्य क्षेत्र में जुड़ रहे हैं या निजी जीवन में जुड़ रहे हैं या परिवार में जुड़ रहे हैं, तो लोगों की परख करना आपको बहुत जरूरी होगा। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है, तो जहां तक संभव हो बात को बढ़ने बिल्कुल भी ना दें। आपका आकर्षण अपने प्रेमी की तरफ बढ़ेगा, मन में इमोशन और एक्साइटमेंट रहेगी मित्रों, लेकिन दोनों पर आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। दोनों बातें आपके जीवन के लिए बहुत मायने रखती है मित्रों, कभी भी कोई भी निर्णय भावनात्मक होकर नहीं रहना है। जी हाँ अविवाहितों के लिए विवाह का योग बन रहा है, मनपसंद जीवन साथी आपको मिल सकता है और कोशिश करेंगे तो जो रिश्ते टूट गए थे, बिखर गए थे, जिनका जुड़ना वापस से मुश्किल नहीं था, तो थोड़ी सी कोशिश से मित्रों रिश्ते पुनः जुड़ जाएंगे और आप अपने के करीब महसूस करेंगे। जी हाँ वैसे देखा जाए तो समय थोड़ा सा भागदौड़ भरा रह सकता है, क्योंकि मित्रों
आप मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, यह बात तो सत्य है, लेकिन भागदौड़ से अक्सर आप घबरा जाते हैं। तो घबराए नहीं, किसी जरूरी काम से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, क्योंकि अचानक यात्रा करने से आपकी सेहत में कुछ परिवर्तन भी दिखाई देगा और आप घरेलू कामों में सबसे ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। मित्रों, घर के छोटे मोटे काम जैसे कि कहीं पर जाना है, कहीं से कुछ लाना है, किसी को कहीं छोड़ने जाना है तो किसी को कहीं से लेकर आना है, ये सारी चीज़ें घरेलू कामों में आती है, तो इन सब कामों में आप व्यस्त रहेंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है। मित्रों, आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा तो ध्यान रखिएगा कि इस शुभ समाचार को सुनकर आप हवा में ना उड़ें। किसी खास काम की तैयारी करेंगे आपको मित्रों बैठना नहीं है, पिछले कार्यों के बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं और मित्र से किसी काम में आपको विदेश से विशेष मदद मिलेगी। यदि आप मित्रों कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं और उस कार्य की रूपरेखा तो आपने बना ली है, लेकिन आपको कहीं से आगे की रूपरेखा समझ नहीं आ रही है, तो आपको अपने लोगों की मदद मिलेगी और आपको मित्रों लव मेट्स के लिए किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सकारात्मक मित्रों माहौल बदलेगा, अचानक आपको कहीं से धन लाभ होगा तो मंदिर में इत्र चढ़ाएं, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने खानपान पर हल्का सा ध्यान देना है, बाहरी चीज़ें खाने से परहेज करना है, जंक फूड आपकी सेहत के लिए तकलीफ का कारण बन सकते हैं और काम का बिजी शेड्यूल रिश्तों के बीच में दीवार खड़ी कर सकता है। मित्रों, व्यस्तता भरी दिनचर्या से राहत पाना बहुत जरूरी है और जिम्मेदारियां बढ़ने से भी कपल्स के बीच दूरियां आ सकती है, तो ऐसी चीज़ें मैरिड और लव दोनों कपल्स के जीवन में घटित होगी। मित्रों, जिम्मेदारियों को सबसे पहले आपको निभाना है, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां आपको अपने पार्टनर के करीब नहीं आने देगी, तो उन जिम्मेदारियों को समय रहते निपटा लें। सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन की सभी विनाशकारी शक्तियाँ दूर भाग जाएगी और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियां होगी। मित्रों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हर वक्त झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने वालों से सावधान रहें। घर में भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि पूरी तरह से संभव है। मित्रों, अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, आपका मन सामाजिक कार्यों में अधिक लगेगा और मित्रों वर्षों से अधूरी मनोकामनाएं पूरी होगी और आपकी सृजन शक्ति में एक सकारात्मक वृद्धि होगी। जो अविवाहित महिलाएं लंबे समय से अपने जीवन साथी लव पार्टनर खोज रही थी, तो उनकी अच्छे से साथी से मुलाकात हो सकती है और लव लाइफ हमारे जातकों की नॉर्मल रहेगी, किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, ऑफिस के फ्रेंड के साथ ज़्यादा समय बीत सकता है। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं एक बहुत ही चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय है। तो मित्रों, यदि हमारे बहुत से जातक अभी के समय में बेरोजगार हैं और किसी न किसी चीज को लेकर हर वक्त तनाव में रहते हैं, तो मित्रों आपको बता दें कि नौकरी और पदोन्नति पाने के लिए मित्रों मीठे चावल बनाकर कौवों को या पक्षियों को घर की छत के ऊपर डालकर उन्हें आमंत्रण दें। अगर उन्होंने आपके इन चावलों को खा लिया तो आपकी नौकरी भी लग जाएगी, पदोन्नति भी हो जाएगी और मित्रों आपके सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे और जीवन से सारे दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। लेकिन यह कार्य आपको सिर्फ और सिर्फ रविवार को ही करना है। तो मित्रों, आप इस उपाय को एक बार अवश्य आजमा कर देखिएगा, यह उपाय आप सभी के लिए बहुत कारगर साबित होगा। सिर्फ बेरोजगारों के लिए ही नहीं, बल्कि जो भी जातक किसी भी प्रकार के दुख से जूझ रहे हैं, तो मित्रों यह उपाय आप अवश्य आजमाएं। तो वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा और मित्रों
दैनिक राशिफल एवं रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा। वह जो स्क्रीन पर आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिएगा, वह पास में वह घंटी भी अवश्य ही दबा